जन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर का एक बार फिर से बयान सामने आया है। चारों तरफ इंडिया गठबंधन की जो हालात है वो आप सभी के सामने है। लगातार बिगड़ते इंडिया गठबंधन की खबरों के बीच लगातार उत्तर प्रदेश के कई सारे मीडिया चैनल्स ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी भी बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना है। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर का बयान सामने आया है। मलूक नागर ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता तो मोदी के मुकाबले टक्कर का मुकाबला होता 400 के पार। लेकिन जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे चार प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेके उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो सुना आपने, मलूक नागर ने साफ कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी को अगर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के सामने विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चेहरा बनाकर अगर सामने खड़ा किया जाता तो शायद देश के अंदर एक रोचक माहौल है वो होता और देश भर के अंदर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहायता मिलती। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हठकर्मिता और कांग्रेस पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें छोड़ छोड़कर जा रही है। सभी पार्टियां उनका कोई साथ देना नहीं चाहते। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार छोड़कर जा चुके हैं, अखिलेश यादव छोड़ने की एक तरीके से देखें तो कगार पर ये उनका ऐलान करना ही बाकी है। इसके अलावा भी कई सारे राजनीतिक पार्टियों की भी आगे स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस से वो दूर दूर ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले लड़ने का वैसे भी ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस वाले गठबंधन इंडिया की हालत इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन रहता है या फिर अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ती है सभी राजनीतिक पार्टी।